हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ पे। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी बन सकता है। और ये जो भी मैं क्वेश्चन आज सॉल्व करूँगा, ये सारा क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में, आप अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। उस सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस सब के ऊपर ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। और लास्ट में आपके लिए तो बोनस क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिएगा। मैं बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पैटर्न ऑफ लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन नॉर्मली होता है 50 क्वेश्चन में क्लैट में आपका आप लोग का आता है, पर इस बार घटा दिया गया आपका 38 करके आएगा शायद। अगर आपने नहीं देखा है मेरा वीडियोज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पैटर्न स्ट्रेटेजी का, तो आप जाकर देख सकते हो। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको पैटर्न स्ट्रेटेजी सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, सिलेबस अच्छी तरह मिल जाएगा। मैंने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, वो भी देख सकते हो। तो अभी हम लोग आते हैं लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पे। तो आपको अगर ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चंस नहीं है। आपका क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है लीगल एप्टीट्यूड में। आपको पैसिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, फिर ए बी सी आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा। लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 मार्क्स आपको आपसे टोटल से घटा दिया जाएगा एवरी रॉन्ग आंसर पे, और आपको 1 मार्क्स मिलेगा एवरी करेक्ट आंसर पे। तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे आज का, क्वेश्चन नंबर 1। इस पे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल दिया रहेगा, फैक्ट दिया रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा। आपको इन दोनों चीज पे प्रिंसिपल आपको दिया रहेगा, और इस प्रिंसिपल के बेस्ड पे आपको फैक्ट समझ के आपको आंसर देना होगा। तो प्रिंसिपल आप पढ़ लो, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल तो आपको अगर समझ में आ ही गया होगा अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है ऑन क्रिमिनल लॉ के ऊपर, मैं पूरा बना दिया हूँ। जनरल एक्सेप्शंस में इससे ही आता है आपका, ये जो जनरल एक्सेप्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ या फिर इंडियन पेनल कोड में दिया गया है फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो। अब हम लोग आते हैं फैक्ट पे। मिस्टर शर्मन द कैप्टन ऑफ अ स्टीम वेसल, मिस्टर शर्मन है एक तो कैप्टन है अपने स्टीम वेसल का। सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, मतलब उसका कोई गलती नहीं है किसी नेग्लिजेंस के कारण, और अचानक वो अपने को ऐसा पोजीशन में देखता है कि बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल, मतलब अपना जहाज को स्टीम जहाज को रोकने से पहले ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन अ बोट बी, मतलब जहाज को स्टॉप करने रोकने से पहले ही वो बी को ठोक उड़ा मतलब क्रैश कर सकता है, क्रैश रन ओवर कर सकता है विद 20 और 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जिस बोट में बी के बोट में 30 पैसेंजर्स है। अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, अगर वो चेंज कर भी दे अपना डायरेक्शन बदल भी दे अपना जहाज का, तब भी उसके पास तब भी देर विल बी रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट ऑफ बोट सी विथ ओनली 2 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विच ही मे पॉसिबली क्लियर। ओके, फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। शर्मन हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज दिस वॉज डन आउट ऑफ नेसेसिटी। अब चार ऑप्शन है आपका, चार ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन नहीं होगा आंसर, तो सारा ऑप्शन आप पढ़ लो, मैं भी आपको बता देता हूँ। शर्मन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप फैक्ट में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, मतलब उसका नेग्लिजेंस है ही नहीं है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, तो पॉइंट नंबर क्रॉस हो गया ना। पॉइंट नंबर 3, शर्मन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आईपीसी में आपका आता है। अगर आपको डिटेल में उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कमेंट कल्पेबल होमिसाइड अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो एक तो सर्टेन एक्ट होता है जिसमें एक आदमी का डेथ हो जाता है, मर जाता है कोई आदमी,
बट वो मर्डर नहीं बोला जाता है, उसको मर्डर कहला है. इट इज़ नॉट हेल्ड टू बी मर्डर, इट डज नॉट अमाउंट टू बी टू मर्डर. फोर्थ पॉइंट आता है, मतलब तो टू एंड सेकेंड और थर्ड पॉइंट कैंसिल आउट हो गया. फोर्थ पॉइंट, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एक्सीडेंट, सो शर्मन कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ये एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा पोजिशन में अपने को पाता है कि वो या तो बोट बी को ठोकर मार दे जिसमें 20 और 30 पैसेंजर्स है, या फिर बोट सी को. तो एक्सीडेंट तो नहीं है आपका ये, और उसका कोई फॉल्ट भी नहीं है, ना ही नेग्लिजेंस है. तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर वन, दैट इज शर्मन हैज कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज दिस वॉज डन आउट ऑफ नेसेसिटी. उसका जरूरत था, नेसेसिटी, इट वॉज डन आउट ऑफ नेसेसिटी, दैट्स वाइज. इसलिए शर्मन जो है वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर टू, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन टू टेक इट इज सेड टू कमिट थेफ्ट. ये थेफ्ट वाला पार्ट मैंने बताया था एन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ वाले वीडियो में. मैं आपको आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां देख लो, आपको कंसेप्ट वहां क्लियर हो जाएगा. अगर आप देख चुके तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे. तो फैक्ट पढ़ते हैं. वाई जो है वो जेड के ग्राउंड पे आके उसका पेड़ काट देता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग इट आउट ऑफ जेड पोजिशन एंड विदाउट जेड्स कंसेंट. मतलब वाई आया जेड के कैंपस में, मतलब घर के कैंपस में आया जहाँ पे उस जेड का एक तो पेड़ है, उसको काट के उससे मतलब उसको काट के ले जाना चाहता है विदाउट जेड्स कंसेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आता है. वाई कुड नॉट टेक अवे द ट्री. अब इसमें ऑप्शंस आता है, वाई कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट. जैसे कि आप प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, अगर आप वीडियो देखे हो, लास्ट वीडियो अगर आप देखे हो, जैसे कि आप देख सकते हो प्रिंसिपल में दिया हुआ है, अगर कोई आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आता है और मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन ले जाना चाह रहा है, मतलब इमूवेबल भी हो सकता है लाइक ट्री, उसको अगर जैसे ही वो काट देता है, वो जैसे ही वो धरती से अलग हो जाता है, वो पेड़ कट जाता है, उसी टाइम वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है. और जैसे ही उसको मूव करता है, उसको ले जाता है, तो वो थेफ्ट कमिट कर देता है. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर वन होगा, वाई कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट. अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन है, वाई कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट. ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो देखो बाद में लास्ट में लिखा हुआ है फैक्ट में, वाई कुड नॉट टेक अवे द ट्री. ठीक है, वाई पेड़ को काट के ले नहीं जा पाया. ठीक है, नहीं ले जा पाया, तो ये तो मान नहीं सकते कि ये थेफ्ट नहीं हुआ. हम लोग को मानना पड़ेगा थेफ्ट है. क्यों? क्योंकि उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ और विदाउट जेड कंसेंट से उसने जेड का पेड़ काट दिया. जैसे उसने काट दिया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, और जैसे ही वो कट गया, तब वो थेफ्ट उसी टाइम हो जाएगा. तो वो तो थेफ्ट हो गई, तो ऑप्शन नंबर टू नहीं होगा. थ्री आता है, वाई कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अटेम्प्ट टू थेफ्ट. उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने पूरा थेफ्ट ही किया. अटेम्प्ट होता मतलब अगर पेड़ काटना शुरू करता उसी टाइम वाई पकड़ लेता, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा. फोर्थ ऑप्शन, वाई हैज नीदर कमिटेड थेफ्ट नॉर अटेम्प्टेड टू कमिट थेफ्ट. ये भी नहीं हो सकता. ओके, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. इसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न है, ये assertion और रीजन के ऊपर क्वेश्चन है आपका ये. इस पे भी वीडियो में आपको बना चुका हूँ, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 98 जो भी फिलहाल मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आप चाहो तो वो भी जाके देख लो आप मेरे यूट्यूब चैनल खोल के आप. तो इसमें assertion दिया रहता है और रीजन दिया रहता है, ए और आर. आपको इनमें से समझना पड़ता है कि कौन किसका बेटर एक्सप्लेनेशन देता है. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पैटर्न में इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है. तो assertion लोग पढ़ते हैं, एक्स जो है बिकॉज ऑफ अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड. एक्स जो है अनसाउंड माइंड का है. ठीक है, एंड
नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको पता नहीं कि क्या एक्ट कर रहा है, वो वाई को अटैक करता है और वाई सेल्फ डिफेंस में इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ द अटैक, उस अटैक को मतलब अपने को डिफेंड करने के लिए उसको हिट करता है, मतलब एक्स को हिट करता है और उसको इंजोर कर देता है। तो वाई ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, मतलब ठीक है। तो अब रीजन, वाई हैड अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे, ये आता है क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शंस पे। तो पहला ऑप्शन आता है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू। पहला ऑप्शन में ये लिखा गया है कि ए और आर दोनों सही है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ओके। सेकेंड आते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए और ए एंड आर, उस इस ऑप्शन में भी दोनों ए और आर दोनों ट्रू है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन आते हैं ए सही है पर आर फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन आते हैं ए गलत है पर आर ट्रू है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में बताया गया है उसी से रिलेटेड और भी सेक्शंस में ये जो ऊपर एसर्शन में लिखा हुआ है उसमें भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह आता है कि सेक्शन ए और आर दोनों करेक्ट है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कट डाउन हो गया, डिलीट आप कर दो, हटा दो। तो हम लोग के पास बचता है अब दो सेक्शन, दैट इज पहला और दूसरा। दूसरे में देखते हैं बोथ ए एंड आर इन दोनों ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके हिसाब से आर जो है कि वाई हैड अ प्राइवेट डिफेंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आर जो रीजन जो दिया है वो एकदम करेक्ट है, ओके। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 1, आपका वही आंसर है, ओके। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। जेड इज कैरीड ऑफ बाय टाइगर, टाइगर उठा के ले जाता है जेड को, एक्स टाइगर पे फायर करता है उसको नोइंग दैट देयर शॉट माइट किल जेड, ओके, बट विथ नो इंटेंशन टू किल जेड। उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता, एक्स का कोई इंटेंशन नहीं रहता कि वो जेड को मारे, पर एक्स जो है गुड फेथ में फायर करता है ताकि वो जेड को सेव कर सके अब टाइगर से। हाउएवर एक्स ने जो गोली मारी वो जेड को मॉर्टल वुंड देता है। अब इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्या होगा, एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस नेचर, ओके। नेक्स्ट आता है एक्स हैज नो मॉरल ड्यूटी टू सेव जेड देयरफॉर ही कैन बी हेल्ड लायबल। ये आपका ऑप्शन एकदम ही नहीं हो सकता क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबके पास होता है, या वो खुद को डिफेंड कर सकता है या फिर वो किसी और को भी बचा सकता है या फिर उसके प्रॉपर्टी को भी बचा सकता है। ये मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 यहीं पर खत्म। ऑप्शन नंबर 3, पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, वाई एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस नेचर, इसने एक्स जो है वो ग्रीवियस नेचर से नहीं किया। ग्रीवियस नेचर क्या होता है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बोल दो, अगर आप चाहते हो कि मैं बना दूं ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हार्म क्या होता है, उसके ऊपर अगर मैं अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो। तो 1 और 2 नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज द एक्ट वॉज इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड। अब फोर्थ तो होगा नहीं क्योंकि अब बचा थर्ड ऑप्शन, और ये भी लिखा था कि क्वेश्चन में ही लिखा है कि एक्स जो है वो गुड फेथ में किया तो फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, बेनिफिट क्या बेनिफिट, जेड को बचाना था टाइगर से इसलिए उसने गोली मारा और इसलिए एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ओके। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा मेरे तरफ से। आप ये चीज का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो, कमेंट कर दो आप, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर को और थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा क्रिमिनल लॉ के ऊपर।
उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ, वाई जो है, वाई मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग डाउन ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स दैट देर इज नो ज्वेल इन इट, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन, आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। आप नेक्स्ट वीडियो में टैली कर लेना मेरे आंसर के साथ, ठीक है। आप ऑप्शंस पढ़ लो, आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप आपके फ्रेंड सर्किल में हो कोई भी जो भी जो लोग भी क्लैट दे रहे हो इस साल, उन लोग के लिए ये वीडियो है, तो वो लोग भी देखे, वो लोग भी कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न जान पाएंगे। और क्लैट का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, इसके ऊपर भी वीडियो है, आप वो भी जाके देख लो। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको क्लैट से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। और अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो, कुछ भी समझ में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।